आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है। n-butane इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनोब्रोमिनेशन ऑफ इथेन फॉलोड बाय वुड्स रिएक्शन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इथेन एट एनटीपी टू प्रोड्यूस 55 ग्राम n-butane if the bromination takes place with 90% yield, okay, and the Wurtz reaction with 85% yield. अच्छा, देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखो, सबसे पहले हम इसकी क्या लिखते हैं, इसकी केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं। तो देखो, केमिकल इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, मैं डायरेक्ट इसकी केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ। बैलेंस ये आएगी 2 टाइम्स C2H6 प्लस 2Br2, ये आपका देता है 2 times C2H5Br, ठीक है, प्लस 2HBr। ये पहली इक्वेशन, और ये दूसरी इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो वो हो जाएगी आपकी 2 times C2H5Br प्लस 2Na। ये क्या देगा बेटा आपका, ये आपका देगा C4H10 प्लस 2NaBr। ऑलराइट, अब देखो हमें कितना दिया गया कि बिकॉज वेट ऑफ ब्यूटेन फॉर्म कितना है, 55 ग्राम। वेट ऑफ ब्यूटेन फॉर्म इक्वल्स टू 55 ग्राम, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना, मोल्स लिख सकते हैं अपने, इसके मोल्स ऑफ ब्यूटेन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, कितना होएगा 58, ठीक है। अब देखो, अब क्या लिखूंगा मैं, मोल रेशियो लिख देता हूँ। मोल रेशियो कितना हो जाएगा, C2H6H2C2H5Br H2C4H10, इनका कितना आएगा 2:2:1। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत, 2:2:1 का रेशियो आएगा। अब देखो, मोल्स ऑफ C2H5Br ये कितने बनेंगे आपके, 55/58 × 2, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना रेशियो है, 2 times है। अब देखो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि जो वुड्स रिएक्शन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 85%। वुड्स लिख देता हूँ यहाँ पे, वुड्स WURTZ वुड्स रिएक्शन एफिशिएंसी। देखो स्पेलिंग से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं केमिस्ट्री के एग्जाम में, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। वुड्स रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी है, 85%, ओके। तो हमें एक्चुअल C2H5Br कितना चाहिए होगा बताओ, 55/58 × 2 × 100/85, ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ ब्रोमिनेशन भी अपने को दी गई है, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन के लिए मैं ब्लू पेन यूज़ कर रहा हूँ। एफिशिएंसी ऑफ ब्रोमिनेशन आपको दी गई है कितनी, 90%, ओके। एक मिनट पेट डाउन कर देता हूँ, एफिशिएंसी ऑफ ब्रोमिनेशन आपको दी गई है 90%। देयरफॉर मोल्स ऑफ C2H6 एक्चुअली रिक्वायर्ड बेटा, ये आपका कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 55/58 × 2 × 100/58, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 90% एफिशिएंसी है तो 100/90, ओके। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपको किससे बना है, यहाँ पे आपका दिया गया था 90% एफिशिएंसी है और इसकी 85% एफिशिएंसी है। आपने किसका निकाला है, C2H6 का, ठीक है ना। तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी एक बड़ी सी वैल्यू जो है ये छोटी होकर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.479 moles, ये आपके कितने आ गए, 2.479 moles। अब देखो हमें क्या बताया कि अगर हम एक मोल किसी भी गैस का लेते हैं तो उसमें कितने लीटर होते हैं, 22.4 लीटर होते हैं,
एट एच टी पी एट एन टी पी 22.4 लीटर होते हैं। लिख देता हूँ, वन मोल ऑफ गैस एट एन टी पी इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। ओके, इज दैट फाइन। तो हमारे टोटल मोल्स अभी कितने हैं बताओ, 2.479। तो इसमें कितने लीटर हो जाएंगे, 22.4 इंटू 2.749। ऑलराइट बेटा, ये आप सॉल्व करो, ये आपका आएगा 53.53 लीटर्स। कितना आ गया आपका, हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका आ गया 53.53 लीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।